प्यारे बच्चों, मैं जारी मोहसिन। हाँ जी, ये पिछले दिनों पंजाब के कल्चर डे पर मैंने क्या खिताब किया है। रियली? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑफ नारोवाल। हाँ जी, बड़ी दाद मिली, लोकी घर तक टमाटर मारना आए। यार वो तो स्पेन से दोस्त आए थे टमाटो फेस्टिवल मनाने, और जाहिर बात उनका भी तो कोई कल्चर है ना, टोमाटिनो फेस्टिवल। हाँ मोहसिन जानी, हम कल्चर की इंसानी शक्ल है। कह दो कि ये झूठ है, कल्चर इतना भयानक नहीं हो सकता। अरे भोंचू, हम माँ जानी होने के बाद भी सेलुलॉइड में जिंदा हैं, क्योंकि हमारे किरदार, हमारे गुफ्तार और हमारे लहजे में एक तहजीब है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जितनी भी तहजीबों के बारे में हम जानते हैं उनके लोक विरसा की वजह से ही जानते हैं। देखिए, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं वो भी इन्हीं से अखज करते हैं कि उन तहजीबों का रहन सहन कैसा रहा होगा। हजारों साल गुजरने के बाद भी अहराम मिस्र, दीवार चीन और रोमन क्लोजियम अपनी अजमत रफ्ता की दास्तान सुनाते हैं। अचौरी मौसम, मेरी जागीर में भी मेरे पुरखों के बनाए हुए अहराम और क्लोजियम है। अच्छा? हाँ जी, बुजुर्ग तो बनाते थे, चौधरी के माथे पे अहराम लिखा हुआ है। रोमन क्लोजियम में तो शेरों के साथ ग्लेडिएटर्स लड़ा करते थे। जी बिल्कुल। और चौधरी के क्लोजियम में तो कुकड़ कुकड़ से लड़ता है। और ये भी तो कल्चर है, ऐ मेरे हम रक्स, कुकड़ थामले, रूढ़ियों से भाग कर आया हूं मैं। नून मीम राशिद साहब के कलाम का बेड़ा गर्क करने के जुर्म में आप पर अदबी आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अब पहले मेहमान को सद लो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि चौधरी बुलंद बख्त कालू किस अजीम शख्सियत का नाम है। तो खातिनो हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड वेम्बले एरिना ही ना बन जाए, स्टेज से चिंगारियां ही ना निकल आए, हमारे कैमरामैन कैमरे छोड़कर रक्स ही ना करने लग जाएं, क्योंकि हमारे मेहमान ही ऐसे हैं, हमारी कोई खुशी उनके गीतों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। पिछली 3 दिहाइयों में कोई एक शादी मुझे बताएं जो उनके गीतों के बगैर हुई हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय पर्सनल फेवरेट, द वन एंड द ओनली अब्रारो रक्स साहब एवरीवन। लेकिन हम आपको बचपन से देख रहे हैं। आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं जी। मेरी जान, हम तो महाराष्ट्र से सिर्फ अबरार से मिलने आए हैं, और वैसे ही मिलने आए हैं जैसे बंजरगी भाईजान में सल्लू भाई चांद नवाब को मिलने आए थे। अबरार भाई, पब्लिक डिमांड का एक उसूल है कि जो भी मेहमान यहां पर आता है उसका कॉमेडी रिमांड जरूर होता है। Okay. तो आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर शेर अफजल मरवत साहब को सुपारी में? शेर अफजल मरवत साहब को आगे कर दूंगा मैं। प्रोग्राम तो फिर आपको पता है। प्रोग्राम तो फिर आपका ही है। अबरार भाई, माशाल्लाह 3 दिहाइयों से छाए हुए हैं, इसराइली करेंसी के अलावा हर करेंसी में आपने कमाई की है, तो इतने तौर में इकट्ठे हो गए कि बिल दे पाते हैं या फिर मीटर रीडर बिलो द प्राय। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल दे देते हैं जी। माशाल्लाह। जनाब, चौधरी इब्रार चौधरी बुलंद बख्त कालू के पैनल पर आ चुके हैं, अब इन्हें 1000 मेगा पावर प्लांट और मेन सप्लाई पर कुंडा भी डलवाना है। वाह यार, आप कालू हैं? यस। तो फिर बदनाम ना करें कालों को। लेकिन मुझे लग रहा है वैसे जेन्युइन कालों हैं, मैंने प्रोड्यूसर से पूछा था, कहता ना आज ही मेरे सामने बने ने। अबरार भाई, अपने जहन पर जोर डालकर बताइए कि आखिरी बार आपने गैस के चूल्हे पर पका हुआ वलों वाला परांठा कब खाया? मेरा ख्याल है काफी उस वक्त उन दिनों में मैं नच पंजाब नच पे काम कर रहा था। अच्छा, नहीं लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं समझता हूँ हम सब लोगों को ना ये नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और दुनिया के अंदर गैस इस तरह से घरों में पाइप्स के जरिए नहीं जाते। ये पाकिस्तान एक प्रिविलेज्ड मुल्क था या है, अल्लाह करे जब तक भी है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिया सलाई जो है ना उसको हम बचाने के लिए समझ लें कि हम गैस के चूल्हे को ऑन छोड़ के चले जाया करते थे। सो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बिल होना चाहिए ताकि लोग
कम से कम ध्यान से इसको इस्तेमाल। अब 22 कैरेट के मिडिल क्लास ये होते थे जी सर, और अब चौधरी इब्रार ने मेरे साथ करने हैं MOU साइन। आए हाय हाय हाय, और मैंने इन्हें शमसी तमाना इसी चलने वाले तंदूर इंस्टॉल कर देने हैं। इब्रार भाई करेंगे MOU साइन इनके साथ आप? ये MOU का मतलब इनको आता है वैसे, मज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इनको देखकर तो यही है सर, मज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अबरार जानी को ये शमसी तवानाई सप्लाई कर रहा है, हालांकि इसका पूरा खानदान टुक्कर भिगो के खाता है। अबरार भाई आपके सामने गाना मानो जैसे पेब्लो एस्कोबार के सामने निस्वार बेचना। लेकिन फिर भी यार मैंने हिम्मत की है, मैंने हिम्मत करके बिलो दी साइकिल उधार लै के ओदे ते बैठ के जाके राणो दी कंध ते लिख के आया माइए। ओ सुन लो भाजी मेरे को, सुनाओ। ओ कोई कोका नकदाए, एक तो भाई एक लिखता कौन है, ये सेगमेंट किसने डिजाइन किया है, और कमाल, और उसमें जो एक तो गेस्ट को तो चलें अपनी इज्जत अफजाई महसूस होती ही होती है, एक उसको ट्रिब्यूट पेश करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है अपनी आवाज़ के साथ, और ये एक अलग से एक उसके लिए एक सामान पैदा कर देता है कि वो हमेशा के लिए अपने पास वो रख सकता है वो जो भी हो। ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये सेगमेंट बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड डिजाइन किया सर। इससे पहले कि लोग समझें कि आप इलेक्शन पे खड़े हो गए हैं, आए बैठते हैं। अबरार भाई इलेक्शन का जिक्र छिड़ ही गया है तो पूछता चलूं कि जिस इलेक्शन में एहसन इकबाल साहब ने हारना था उसमें आपने हिस्सा नहीं लिया, ये तो वही बात होगी जनों कटिया जलूस गरीबा शहर जो चौताली लग गई। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप नारोवाल से लाहौर क्यों आ गए, यही बात कि वो चूंकि हारते नहीं हैं कुछ खास वजूहात की बिना पे जी जी। मैंने उस पर लिखा था जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया मैं नारोवाल छोड़ के लाहौर आ गया। ये बात तो इस बार तो ये साबित हो गया कि उसकी जिंदगी में कोई और 2013 से आया हुआ है। वो भाई मैं चौधरी इब्रार की बात को एग्री करूंगा, मैं चौधरी हूँ किसी और का, मुझे उड़ता कोई और। चौधरी तुम्हारी इस बात से हमें अंदाजा हुआ कि तुम चौधरी भी हो और रजाई भी हो, और रजाई भी वो जो स्टेशन वाले होटलों में होती है। बड़े अरसे बाद शायकीने मौसीकी आपका एक गैर सियासी गीत सुनने जा रहे हैं, राणो फ्रॉम चंडीगढ़। सर बिल्लो से राणो तक का सफर तय के लिए पार्टी तो नहीं बदलने वाले आप? नहीं नहीं, मैंने हमेशा खवातीन के राइट्स का ख्याल रखा है, इसलिए मैंने सारे गाने ही खवातीन पे बना दिए। हमने भी गाया था ये गाना, आशा तो जाना बिल्लो तक घर, उन्होंने बख्तर बंद पे लिख दिया बिल्लो। चौधरी मोहसिन आज एक ब्रेकिंग न्यूज और ले लो दीजिए। जिस बिल्लो का हर एल्बम में चौधरी इब्रार ने जिक्र किया है असल में वो मेरी फर्स्ट कजन है। Really? Yes, so. अच्छा वैसे कोई बईद नहीं है, मैं इनको देखता हूँ तो मुझे अपना एक गाना याद आ जाता है, ना नाजक ना सोनी उत्तों छत्ती चक दी। इधर आम जाजनी है अड्डा लाम जाजनी, तो इसकी कजन हो सकती है वैसे हवाले से देखा जाए। ना नाजक ना सोनी सर 1995 में
बिल्लो मार्केट में आई थी, अब तो उनके साहबजादे भी मुझे लगता है कि डाकखाने में मुलाजमत कर रहे होंगे। वो मैंने एक गाना एक और भी बनाया था ना कि आ जो कुड़ियो हाण दियो कर लो सानू ज्वाइन ज्वाइन यस। तो मैं सोचा था अगर हाण दिया आ गई तो अकेली नहीं आएंगी। काफी सारे बच्चे साथ लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। सर आप रानो को लेने चंडीगढ़ चले गए, सानिया मिर्जा साहिबा वापस हैदराबाद चली गई। इंडिया और पाकिस्तान की जो ये रिश्ता डिप्लोमेसी है ये कब तक सही हो सकती है सर? मेरा ख्याल है हुकूमतों से तो पता नहीं ये दोस्ती होगी नहीं, लेकिन हम लोगों को खुद ये कम अज कम कदम बढ़ाना चाहिए। मतलब यहाँ पे लड़के बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे हुस्न बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना इसी डिप्लोमेसी को आप बढ़ाते चले जाएं, है कि नहीं? पता नहीं। आई तो एग्री विद दिस सर, है ना? आप तो जरूर एग्री। आई तो एग्री। मैं अपना कॉन्सर्ट करता हूँ ना, तो मैं उसमें लोगों से पूछता हूँ अक्सर के कितने नौजवान हैं जो चाहते हैं उनकी शादी के लिए इनको कोई आके ले जाए, तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाते हैं उधर के, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। तो मैंने कहा इधर से अंदाजा लगाएं कि कितने लौंडे तैयार बैठे हैं कि कोई आए और ब्याह के ले जाए। मार्केट में जिस तरह के लड़के आ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि लड़कियां बारात लेकर आएंगी। अबरार भाई ये जो हिस्से मजा है आपकी, ये आम जिंदगी पे भी अप्लाई होती है या ये सिर्फ गायकी या जब आप लिरिकली बैठते हैं तो तब निकल के आती है? नहीं, एक तो वैसे ही है, कुदरती है, और दूसरा दोस्त मिल गए ताहिर सरवर मीर जैसे आप जैसे, तो फिर मिलके आपको पता है वो रिफाइन होती जाती है कुछ किसी से सुना। मैं समझता हूँ जिंदगी जो अच्छा वक्त दोस्तों के साथ गुजरता है ना वो बेस्ट टाइम होता है आपका, जिसमें आप खुल के हंसते हैं और वो गपशप लगाते हैं। अबरार भाई हमने तो ये भी सुना कि जब आपके जो करीबी दोस्त हैं जब वो इकट्ठे होकर बैठते हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई मार्केट का जीरो मीटर लतीफा सुनाया जाए, तो आज की इस महफिल में दोस्तों की कोई एक जीरो मीटर लतीफा हो जाए? उनकी खुद पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि कई जीरो मीटर लतीफे सामने आ जाते हैं। लेकिन तो सर मसला बात देखें तो सही, मसला वहाँ ये है, मतलब यहाँ पे तो लतीफा सुनाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब है। लेकिन इसके अलावा कई जीरो मीटर लतीफे ऐसे होते हैं जो सुनाए नहीं जा सकते, ये बड़ा मसला है। गैर पार्लिमानी लतीफे हैं सर। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जावेगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जावेगी बल्ले, आहा चिकलक चिकलक चिकलक, आहा चिकलक चिकलक चिकलक, थोड़ा जेहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन, गिदे विच घूम घूम आ जा, आ चिट्ठी लैके आ जा, नू छणका जा निवंगा नू छणका जा, भावे अंग्रेजी ते भावे पंजाबड़ा टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। शाबाश, पैंट झाड़ के पहन लो जानी। लेके नहीं अपने इस मनहूस आवाज में क्यों गाने सुना रहे हैं हमें? मैं निगरान किंग ऑफ भंगड़ा हूँ, तेल मेहंदी। हाँ जी, ये फंस के चलता है। पंजी हजार दी शेरवानी पाई फिर कच्छ च बौकर दे तीले पे। तेल मेहंदी साहब कभी देखा नहीं आपको कहीं? मैं सरहद पार जाकर इब्रार हक बन जाता हूँ, हाँ। और जहां आके तेल मेहंदी बन जाता हूँ। यहो जे लाड़े अंधेरे च मेहंदी की जगह हाथे गारा ला लेते। तो बुरी बात है, किसी और का नाम कैश कर रहे हैं आप? ओवरसीज में जो दा लगे बन जाता हूँ। शर्म नहीं आती आपको किसी का नाम कैश कर रहे हैं आप? मैं वही फंक्शन पकड़ता हूँ जो इब्रार भाई और दलेर पाजी पकड़ नहीं सकते। ऐसे कौन से फंक्शन है? जिनकी पेमेंट नहीं मिलती और आटे का थैला मिलता है जिसपे तस्वीर नहीं बनी होती। अच्छा, ओके। मैं खच्चर इब्रार है, आम दूल्हे से जूता छुपाई हुई ना, ए वाह दूल्हा जी का मुंह छुपाई हुई। तो बस आटे का थैला ही मिलता है आपको? नहीं, किलो चीनी और दो तोले कीड़ियां। और गले सड़े आलू टमाटर और छान बुरा। मैं मरे हुए लोगों के कपड़े भी ले लेता हूँ, जड़े खुले हो चौधरी को दे देना। इसे बड़ी बात है, कितनी नवाजिशात होती हैं आप पे, हमें भी कुछ सुनाए ना प्लीज। शाम्बले दी रोटी लेके डेरे ते नहीं आई तू, रोटी लेके डेरे ते नहीं आई तू, ऐसे गलती बेबे को लो कौन नहीं पनवाई तू, चाचे नु शिकायत मेरी केड़ी गलती लाई तू, सारे लोकी मेनू कहंदे मुंडा नहीं हर जाई तू, तन केड़ी गलदा मार तू किड्डी है परदा, तेरा बाल बड़ा लम्मा, दरिया मजा जनिए नी आडा, आ, 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 ले 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 ले
जाजनिए हिन्निया डाला मजाजनिए एचरे आ मजाजनिए इन रोटी खा मजाजनिए लाडा फुल तेरी फुल 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 वेलकम बैक टू पब्लिक साहब का कॉमेडी रिमांड। सर ये बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वफाक में या मरियम नवाज साहिबा पंजाब में कोई सकाफती जिम्मेदारी आपको सौंपें, आप हामी भर लेंगे या फिर कह देंगे एब्सोल्युटली नॉट? नहीं नहीं एब्सोल्युटली नॉट ही, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल पॉलिटिक्स से वैसे ही भी आउट हूं, मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा रिमा सर जनाब, बाजी मरियम के कैंप ऑफिस से मुझे बड़ी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। इन्हें गधे और घोड़े में फर्क बताना है, वो भी सूंघ के। अच्छा रिमोशन है, मुझ में इतना पोटेंशियल है, मैं तो खोते का खोर सूंघ के बता देता हूँ ये दुलत्ती मारेगा या नहीं। ओए हाँ जी, ये तो खोतों की रग रग से वाकिफ है, अलबत्ता भैंसों को ब्लैकमेल करता है। जो भैंस दूध नहीं देती उनकी फाइलें उनके सामने खोल देता है। और ये मेरा ब्यूरोक्रेटिक मॉडस ऑपरेंडी है। ये तुझे बताया किसने? ये मेरा एक बतरिया है इरशाद भट्टी, उसने बताया। उन्होंने तो आपने से पता। अब राव भाई, हमारी पॉपुलेशन का 60% हिस्सा जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, लेकिन सिस्टम ने इस यूथ को सिवाय टिकटॉक के क्या दिया सर? मैं बड़ा होपफुल हूँ इस यूथ से डेमोग्राफिक डिविडेंट भी बन सकती है अगर हम इनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, और एक बोझ भी बन सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर अगर हम इनको गलत तरफ ले जाएं, ड्रग्स की तरफ चले जाएं, जिसके ऊपर बड़ी कोशिश हो रही है याद रखें दुनिया में कि पाकिस्तान की 67% टोटल पॉपुलेशन जो है वो बड़ी यंग है, बिलो 30 है, तो वो एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए खतरा भी है बहुत सारे ममालिक को। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉलिसी डिवाइस करने की ज़रूरत है। सर आपके गाने हमेशा से ही यूथ को अट्रैक्ट करते आए हैं, आप उनकी दाई भी हैं, आप उनके डॉक्टर भी हैं। आप बताएं कि यूथ का सबसे बड़ा मसला है क्या? सेंस ऑफ डायरेक्शन और तरबियत, अगर हम उनकी सही कर दें उसी से बेस बन जाएगी। मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे और रिस्क हलाल लाते थे, इसलिए थोड़ा सा लाते थे, मुनासिब सा घर का साइज था। उनके छोटे अफसरान जो थे उनके बहुत बड़े बड़े घर थे, तो मैं सवाल करता था, छोटा सा था, अबू हमारा घर इतना छोटा और बड़े लोगों का इतना, आपके जो छोटे अफसरान हैं इतने बड़े बड़े घर क्यों हैं? तो मुझे कहते थे बेटा ये हराम और हलाल में फ़र्क है। हराम खाने के बाद ऐसा रूप चढ़ता है। क्या रूप निकला है गुलकारी हल्दी के चंदन से। चौधरी भी पिछले महीने हलाल सी, परसों हराम होया। अब राव भाई, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, हम कोई गुलाम है क्या, यूथ किस नारे की तरफ ज्यादा ग्रेविटी महसूस करती है? अभी तो ये सब नारे अच्छे हैं, कोई शक नहीं है, और एक एक अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन एक टाइम होता है पॉपुलैरिटी का, तो वो क्या हम कोई गुलाम, आजकल ये पॉपुलर तरीन है। तमाम इसमें मैं यूथ को यही बात कहना चाहता हूँ, जब भी कन्फ्यूज़ हों, परेशान हों, तो परेशान नहीं होना पहली बात है, क्योंकि नबी करीम सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और मैंने जब खान साहब को ज्वाइन किया था तो इसी वजह से किया था कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार लेते थे। सर कासिम के अब्बा की वजाहत, उनका एक जो मैचो इमेज है, नौजवान उससे मुतासर होते हैं, लेकिन मौशी हालात इतने गंभीर हैं सर कि हुकूमत में जो भी आता है उसका ग्राफ तेज़ी से नीचे आता है, सर क्या कहेंगे इस बारे में? मल्टीपल इशूज़ हैं हमारे मुल्क के, अगर हम देखें तो हमारा मुल्क एक स्ट्रेटजिकली ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ हम, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक पॉपुलर गवर्नमेंट जिसमें आवाम की सपोर्ट भी शामिल होगी तो चीज़ें और बेहतर होंगी, क्योंकि ज़र्रे मुबादला भी आएगा, समंदर पार पाकिस्तानी और ज़्यादा पैसा भेजेंगे, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, दीगर ममालिक जो एतमाद करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ही अच्छा होता कि कासिम के अब्बा और फ़ौज के दरमियान एक ऐसा ज़बरदस्त ताल्लुक होता कि जिसका एक मल्टीपल इफ़ेक्ट होता। और अभी तो उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ तक है कि शायद अगर उनसे ये कहा जाए ना कि समंदर पार पाकिस्तानी से कहें कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा बेच के कर्ज़ा उतार दें पाकिस्तान का, तो यू नेवर नो कि वो बेच दें, और इतनी एक टाइम होता है ना पॉपुलैरिटी का, तो वो कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएँ, ठीक है ना, क्योंकि ये एक टाइमिंग है। एक वो भी टाइम था जब 2018 के इलेक्शन के तीन एक साल के बाद हमारा पॉपुलैरिटी ग्राफ काफ़ी
नीचे था। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि इश्क का सबसे बुरा अंजाम शादी होता है। अगर आपने बर्बाद करना है तो शादी करा दो, ठीक है। तो इसी तरह पॉपुलैरिटी खत्म करनी है तो हुकूमत दे दो। सॉरी मोहसिन, अगर मुआशी हालात पे काबू पाना है तो हुकूमत को चौधरी बुलंद बख्त की जागीर वाला मॉडल अपनाना होगा। अच्छा, और वो मॉडल क्या है? जेबो नहीं खर्चना, मांग के खा लेना। रमजान के महीने में इसकी पूरी जागीर खाली हो जाती है, फिर हर शहर में मांगने निकल जाता है। और ये तो कूड़ मार रहे हैं, मेरी जागीर का मॉडल है माइक्रो मैनेजमेंट। इसकी जागीर में इसका अब्बा नहा रहा हो तो घर वाले बाहर बैठकर उसकी झाग से कपड़े धोते हैं। अब्राज भाई, आपने सस्ते सामानों में सिंगिंग का आगाज कर दिया था और साथ साथ आपने बड़े पैमाने पे सोशल वर्क भी किया। आजकल के जो सिंगर्स हैं वो फिल्म स्टार से भी ज्यादा पेमेंट मांगते हैं, लेकिन सोशल वर्क तो क्या सर, वो सोशल गैदरिंग में भी नजर नहीं आते, क्या कहेंगे इस बारे में? अपना अपना मिजाज है, वो उनको वो अच्छा लगता होगा, मुझे उन पर एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे सिंगर्स थे जो अपने आप को ज्यादा लोगों में नहीं लेकर जाते थे, लेकिन वो फलाही कामों की तरफ नहीं आए आपके अलावा। ये भी ना एक मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से चुनीदा लोग होते हैं, मैं यही समझता हूँ। हाँ, तो दिल में जिसके आ जाए, और मेरी वालदा चूंकि ऐसे टाइम पे गई, ऑनेस्टली स्पीकिंग उससे पहले मेरा भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो जब गई तो मुझे लगा कि ऐसे खुशी नहीं है अब जिंदगी में, तो फिर मैंने ये काम शुरू किया ताकि अपने आप को अपनी एग्नी को कम करूँ। मैं और चौधरी बिल गेट्स भी या फ्लाई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। अच्छा, हाँ, बिल गेट्स चौधरी है? यस। वो ना सिर्फ चौधरी नहीं, वो भी कालू है। कालू है? हाँ, बिल गेट्स। यस, वो पिछो कालू और नारोवाल दा। हाँ जी, केड़ा पिंडे दा? नारोवाल चंद्र के मगोले दा जे पिछो। ते पिछो कालू है? हाँ, पिछो कालू है। 30-35 चक दा, एक चक दा फर्क है। मैं उन्हें फिर चक वढ के पूरा करता। गुलूकारी के साथ साथ मैंने भी बहुत सारा सोशल वर्क किया है। एक्चुअली ये सोशल वर्क मुझे विरसे में मिला था। बड़े जागीरदार साहब बहुत सोशल वर्क किया करते थे। उन्होंने जागीर में बुजुर्ग ख्वाजा सराओं के लिए झांझरिया पहनादों के नाम पर एक फलाही अदारा बनाया था। और जो जवान ख्वाजा सरा जिन्हें नशे की लत लग जाती थी उनके लिए बहाली मरकज बनाया, और जिसका नाम था मुझे तो तेरी लत लग गई। यार लेजेंड कुमार, इनकम्प्लीट बात ना किया करो, उसका पूरा OFT सुनाओ। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। मुझे तो तेरी लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। नहीं, इस चौधरी नूं लत नहीं, लत्तां वजन वालियां। सही समझे, एक कालों आंदा अपने आप नूं। रोको यार, कटो। ये पता गाना कब निकला था उसके मुंह से? भाभी को उसका मुंह फुटबॉल नजर आया, भाभी ने लात मारी, फौरन गाना निकला। मुझे तो तेरी लत लग गई। अबरार भाई, मोहसिन नकवी साहब के पास चेयरमैन PCB और वजारत दाखला का पोर्टफोलियो है, दोनों वजारतें यहां हैं सर, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट्स यकसर मुख्तलिफ हैं। तो सर आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ काबिल लोगों की कमी है या फिर ट्रस्ट डेफिसिट है? एक तो मोहसिन ने, मैं समझता हूँ, अच्छा काम किया है। जी जी बिल्कुल। जब अगर हम देखें एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उम्मीद है कि वो उसमें भी अच्छा काम करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स किसी में कई लोगों में होती हैं तो कोई हर्ज नहीं होता कि उनको अगर एक दो पोर्टफोलियोज दे दिए जाएं। अच्छा रिमोशन, यार ऐने शक शुबे वाली बात ना किया करो। और बड़े जागीरदार साहब ने मुझे पोर्टफोलियो दिए थे। जैसे कि मंचों के चिचड़ निकालने और कट्टों के साथ छप्पड़ में तन बात लेने का कलमदान था। इतना ही नहीं, छोटे छोटे लेलों को टकरे मारने का एडिशनल चार्ज भी चौधरी साहब के पास था। और तो और, मुर्गियों को अखलाकी तरबियत देने की जिम्मेदारी भी चौधरी साहब की थी। अच्छा, ये मुर्गियों को समझाते थे, देखो जहाँ दाना खाओ अंडे वहीं देना। और तो और, खचरों को खचर पुना भी चौधरी साहब ही सिखाते थे। खचर पुना। और जागीर में देवरानी और जेठानियों को आपस में अगलों पिछलों का मेड़े देना भी मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा जी, इन खिदमात के सिले में तो तुम्हें अम का आनो बेल मुझे मार अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं मलाला की तरह अवार्ड शेयर नहीं करूंगा। अबरार भाई, कुछ अता भी तो करें ना हमें, आपकी आवाज सुने बगैर
प्रोग्राम अधूरा रहेगा। प्लीज क्यों नहीं, क्यों नहीं, नाथ शरीफ सुनाओ, रमजान मुबारक है। इससे अच्छा क्या होगा, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वअला आले सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैंने YouTube पे किसी से सुनी थी, बाबा जी थे बहुत बूढ़े से, तो मुझे इतनी प्यारी लगी वो कलाम उनका, उनकी आवाज़ भी ना बड़ी टिपिकल सी थी, और मैं कोशिश करूँगा कि उनकी आवाज़ में आपको सुनाऊँ। जरूर ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ ਓ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ ਫਿਰ ਥਾ ਉਥੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ ਓਏ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਅਬ ਆਪਸੇ ਕੁਛ ਰੀਮਿਕਸ ਸਵਾਲ ਕੀਏ ਜਾਏਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਆਪਨੇ ਓਰਿਜਨਲ ਦੇਣੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰਮਰ ਤਾਰਿਕ ਤਾਫੂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ तारिक से मेरी दोस्ती ज्यादा है क्यों मुझे इम्तिहान में डाल रहे हो बग्गा भी दोनों अपने अपने टाइप के जबरदस्त ड्रामर हैं यार सिंगर सोशल एक्टिविस्ट शहजाद रॉय या जवाद अहमद दोनों ही हैं मैं समझ ओके ठीक है एल्डर ब्रदर बडी कर्नल साहब या मेजर साहब दोनों ही हैं ऐसे इम्तिहान में डाल रहे हो ना मुझे सवालों पर कर्नल साहब के साथ एहतराम वाला रिश्ता ज्यादा है ठीक है मेजर साहब के साथ जरा दोस्ती ज्यादा ठीक है आई गॉट द आंसर सर अपने गानों में परफॉर्म करने वाली मॉडल्स में से फेवरेट कौन है आपकी वीना मलिक या सुनीता मार्शल सुनीता मार्शल वाला गाना ज्यादा हिट हुआ था वैसे मेरा वोट भी सुनीता मार्शल की तरफ से मार्शल में वोट डलते हैं ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਾਣੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਬ ਚੌਧਰੀ ਲੱਕ ਪੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬਾਂਧ ਕੇ ਗਾਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਭੰਡੋ ਕੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸਰੋ ਫੇਵਰਟ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹਾਂ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ बस ठीक है वजीर आजम जब बने ना तो वो बड़े डिप्लोमेटिक हैं उनका इंटरव्यू चल रहा था तो लड़की कहती है चॉय साहब आप बताइए कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं वो अमेरिका ने कोई बुरी सी स्टेटमेंट दी हुई थी तो चॉय साहब अगर कहें कि हाँ देनी चाहिए थी तो पाकिस्तानी नाराज अगर कहें कि नहीं देनी चाहिए थी तो अमरीका नाराज नहीं आप बताएं अमेरिका ने ये जो स्टेटमेंट दी है क्या उनको देनी चाहिए थी या नहीं जो सब कहते हैं कोई गल नहीं ऐसी बढ़िया गल कर लेने एक उन्होंने कर ली मतलब सही मानो में जरा रोटी खाओ मिट्टी पाओ वाली बात जो है ना इसके अंदर से नतीजा वही निकल बढ़िया गल कर लेने उन्होंने कर ली ताकि मिट्टी पहुंचा
सर फेवरेट मियां, मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब? और भी कोई ऑप्शन दो यानी दोनों नहीं सर, अख्तर लावा या फयाजुल हसन चौहान, कॉम्बिनेशन चेक करें आप। अख्तर लावा। चाहत फतेह अली खान या राजा रियाज? चाहत फतेह। बहुत ओके। चाहत का सर देखा है तुमने, उस पे अगला पीएसएल हो रहा है। ओके सर, कासिम के अब्बा या मरियम के पापा? कासिम के अब्बा। समय समाप्त। अब मैं कुछ सियासी शख्सियत के नाम लूंगा, आपने उनको एक गीत या कोई फिल्म का टाइटल डेडिकेट करना है। आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कर लाइफ लाइन है सर, सदरे पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। बचनो हसीनो यो मैं आ गया। ओके सर, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। मुझको यारो माफ कर। सर मियां नवाज शरीफ साहब। मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में। सर मोहसिन नकवी साहब। मैं तो इतना ही कहूंगा, अलादीन का चिराग। ओके जी सर, कमाल इनकी आवाज बड़ी अच्छी है, जिन बन सकते हैं आप। चौधरी ने अलादीन का चिराग एना रगड़िया एना रगड़िया, जिन भी चो निकल के कहता चौधरी बस कर मेरिया पसलियां छिलियां गई। जी सर, आपके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को कौन सा गीत सूट करता है? मुकद्दर का सिकंदर। भाई बेहतरीन, परफेक्ट। सर अली अमीन गंडापुर साहब। हो जट चढ़े कचहरी चक दे। भाई बात है। हम अली अमीन गंडापुरी को कटप्पा का खिताब देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब। गोलगप्पे वाला या गोलगप्पे? कामरान टिसौरी बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने सहारा के लिए बहुत सपोर्ट किया पिछले दिनों, और कोई अच्छा सा गाना उनके लिए ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने सानू तेरे नाल प्यार हो गया ही कर दें, है ना? ये गाना कौन और गाएगा? गाना सानू तेरे नाल प्यार हो गया, सड़ा दिल बेकरार हो गया, पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया, सड़ा दिल बेकरार हो गया। परफेक्ट। मरियम नवाज साहब। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल नी मैं डको डोलिया। सर फयाजुल हसन चौहान साहब। यार कोई चाहत फतेह अली खान का गाना बताओ। चौधरी इमरान, आप उन्हें जीरा ब्लेड का खिताब दे सकते हैं। और बाज आ जा चौधरी, तेरे वर्गे बादशाह अपने जला तो डर के मामे वाल रहन लग पेंदे। शेख रशीद साहब। शाहजी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, इन शाहजी उठो अब कुछ करो। वाह भाई बहुत बढ़िया। हम शेख रशीद साहब को सीधा पख्तौर का पोर्टफोलियो अता करते हैं। यह जो चौधरी ने शाही घोड़े से काठी की बजाय गद्दा रखे। ओके कासिम के अब्बू। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। भेद फकीरी सीखना भगत कबीर। ए फकीर बनने का राज सीखना है तो पानी भरने वाली से सीख। बंदा पूछे वो ऐसा क्या करती है कि अल्लाह का वली बन जाता है, दूसरे मिसरे में बताता है करती क्या है। क्या बातें करे सखियों से भर ध्यान गगन के
अबरार भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आपको पता है मैं हमेशा आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपको मिलने का कोई मौका मैं जाने नहीं देता। जब जब आपका जिक्र सेट पर हुआ है तब तक मैं खुशी से फूला नहीं समाता। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। थैंक यू सो मच, आज आपने पब्लिक डिमांड को द लेजेंड ऑफ पब्लिक डिमांड कर दिया, तो थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन। इतना मजे का शो, इतना टाइम अच्छा गुजरा, इतनी मजे मजे की जुकते सुनने में आई हैं। और चॉइस साहब और शकील भाई जहाँ पे हों, मैं समझता हूँ ये हमारे लेजेंड है जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और कड़ाके कर देने जाते हैं। yes, जब आप इतनी हमें मतलब फील करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं आप लोगों पे कि आप दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए इज्जत कमा के लाते हैं। इन सब के लिए क्लैप हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते बस आखिरी हमारा सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं हैप्पी रोस्टिंग। ओके सर, शक्लां देख लो इन्हां दियां ते ला जुगती लो, एक जुगती है ना मारो, वहां से शुरू करते हैं सर। अल्लाह रखा पेप्सी साहब से, इनके ना रंग कितना निखर गया है ना इनके चेहरे पे पगड़ी का। अच्छा क्या अच्छी बात की आपने, पगड़ी का। पगड़ी के नीचे तो अंधेरा ही है। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। इनकी ड्रेसिंग वगैरह देखे ना तो बिल्कुल लगता है जैसे ना अभी एक सिगार इन्होंने यूं रखा है और सामने बिलियर्ड टेबल है और बिलियर्ड के ऊपर यूं झुक के गेंद की तरफ कुछ ऐसे कर रहे हैं और देखा है तो वाइपर का डंडा पकड़ा। और ये हो जे हीरो पहले सीन च विलन दे घोड़े थले आके मर जाते। अगली बारी है अकील साहब की। अच्छा इनकी स्माइल से ना मुझे करप्ट मुंशी नहीं होते, करप्ट मुंशी। अगली बारी है चौधरी साहब की। आइए आइए आइए। इनके मुंह पे तो खैर शेर क्या पूरा दीवान लिखा जा सकता है, लेकिन जो हिसाब है कोई मुंह तो नहीं ना वैसे। पता नहीं क्यों उनके मुंह में ना मुझे लगता है कि मूछे हटा के अगर फीडर होता ना तो ज्यादा ज्यादा क्यूट से लग रहे हैं मुझे। अब हमारा होस्ट चौधरी मोहसिन कल यार, ये तो बड़ा एक परफेक्ट सा आदमी लग रहा है मुझे इसका। क्या हम लोग सब डिफॉल्टर अच्छा इसका माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी परफेक्ट सी है ना, और मैंने सुना है सिक्स पैक्स भी हैं और वो सारा है लोग बता रहे होते हैं मुझे सारे वो, ड्रेसिंग भी तो कितनी ज़बरदस्त है वो सारा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि कपड़े जब ये लेता है वापस नहीं करता कपड़े।